हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं और मेरा फ्रेंड आया हुआ है रूम में, और हमारे के लिए यार क्या फाइनल की एग्ज़ाम है, ज्योग्राफी का पेपर है। तो पूरे साल की बात करें तो सच्ची बता रहा हूँ, पूरे साल हमने कभी पढ़ा नहीं था इसके बारे में। वैसे इतना तो टफ नहीं था क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो इसका क्या, इसको मैं इसलिए बुला लिया था क्योंकि हमारा पेपर कल 7 बजे से स्टार्ट होगा, और आने में इसको, ये गाँव से ये मेरे तो कॉलेज हमारा सेम ही है, तो इसको आने में टाइम लगता है। फिर वो पेपर का यार फिर लपड़ा हो जाता है, फर्स्ट पेपर था और वो थोड़ा जल्दी जाना था वहाँ पर, तो मैं इसको बोल दिया कि यहीं आ जा। फिर हम 2:30 बजे सो गए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे को ये बिल्ली मिल गई थी, और ये क्या दूध था हमारा जो फट गया। फिर मैंने क्या किया, इस दूध को इसी को पिला दिया था। फिर पेपर देख के हम आ गए थे, और वो मेरा दोस्त था वो अपने घर चला गया था उधर से ही, क्योंकि पेपर 22 को है। फिर मैं खाना बनाने लग गया था क्योंकि, और दोपहर में आया जैसे मैं पेपर देखे तो मैं वैसे सो गया था। फिर शाम को उठा और खाना बनाने, आज मैं बना रहा हूँ भिंडी की सब्ज़ी। अगर आपको नहीं आती हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आपके साथ बता दूंगा पूरा कैसे बनाते हैं। पहले मेरे को भिंडी की सब्ज़ी नहीं आती थी यार, गाइस सच्ची बता रहा हूँ। एक दो बार ख़राब बनी, और मस्त वाली बनती है एकदम। तो आज का पेपर था तो उसके बारे में बताऊँ तो पेपर बहुत अच्छा था हुआ। वैसे पढ़ा हुआ तो नहीं था, पर पूर्व ज्ञान के आधार पर मैंने किया क्योंकि NCERT भी पढ़ रखी थी, तो उसके नॉर्मल क्वेश्चन थे जैसे भूमध्य सागर कहाँ पर है, अमेजोन नदी कहाँ है, गोबी मरुस्थल, पनामा नहर, स्वेज का पता ही हमें पनामा नहर, ये दोनों। तो ऐसे ऐसे नॉर्मल सा पेपर था, मैप का भी था, और वो रूर प्रदेश कहाँ है, जर्मनी का जो है ना रूर प्रदेश वो। तो यार एक रूममेट की लाइफ, रूम वाले की लाइफ कैसी होती है, मैं आपके साथ यही शेयर करता हूँ कभी कभी जैसे ही टाइम मिलता है। अभी थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो ये सब लोड है तो मेरे ऊपर आ गया पूरा का पूरा। तो गाइस यार जैसे जैसे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ, और आप कमेंट जरूर करा पड़ा यार, उससे क्या एक थोड़ा अलग सा वो मिलता है मोटिवेशन सा कि हाँ यार इनको, इनके लिए करना होगा कुछ ना कुछ। प्लीज़ यार आपसे निवेदन है, आप कमेंट करा करो ज़रूर, कुछ भी कर दिया करो। अगर अच्छा ना लगे कंटेंट तो भी आप करा करो, और अच्छा लगे तो भी आप मनोबल बढ़ा दिया करो यार। बस इतना सा ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। फिर फटाफट मैंने बना ली थी रोटी, और रोटी के ऊपर अब मेरी रोटी देख लो कितनी मस्त है ना, मैं खुद बढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि यार अच्छी है, देख लो जली हुई 1% भी नहीं है। तो वैसे बनाई तो मैंने 3 रोटी थी, और भूख ज़्यादा नहीं थी वैसे मेरे को, खा लिया था तो फिर मैं सोया था, फिर तो वो पच्ची भी नहीं थी सच्ची बता रहा हूँ। तो इनमें घी लगाया क्योंकि घी वैसे लगाता नहीं हो, फिर मम्मी देखती है वीडियो को कभी कभी, तो फिर वो सीधा कॉल करके बोलती है कि घी भी रखा कर और लगा लिया कर। तो आप देख सकते हो भिंडी की सब्ज़ी कैसी दिख रही है आपको, खाना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना मेरे को। अभी मेरे पास ये पॉलिटी की कक्षा 6 की NCERT है, अब वैसे हमारा चल रहा है अभी लक्ष्मीकांत, आपको मैंने बता रखा है। तो मैं सोच रहा था यार पॉलिटी को एक बार वापस NCERT की चीज़ें पढ़ ले, पिछले टाइम मैंने जब पढ़ा था तो फिर उसका रिवाइज करना भूल गया था, भूला क्या मैं थोड़ा इग्नोर कर दिया था। तो मैं सोचा NCERT को बाद में करें, पहले हमारी क्लास ले ले, और आज से मैं स्टार्ट करूँगा गाइस एथिक्स की क्लास है। तो मेरा फ्रेंड था ना, मैंने आपको बताया था कि उसका बेच उसने दे रखा है, तो यार मेरे ये फ़ायदा है उसने मेरे को बेच दिया, और 35 इसमें क्लासे हैं एथिक्स की, पर इनकी ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा है, एक एक क्लास 4 घंटे की है, इसमें 35 क्लासों में कवर किया गया पूरा एथिक्स को। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है इसमें, क्लास लेते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था 12:30 के लगभग, और मैं खाना खाया था 8 बजे। तो फिर मेरे पास चावल बने हुए थे थोड़े बहुत, दोपहर में मैं बना लिया था आके, है ना। तो मैं सोचा अभी वो ख़राब तो नहीं हुए थे, तो क्लास के साथ साथ मैं उनको लेके मैं सोचा खा भी लेता हूँ साथ साथ थोड़े थोड़े, क्योंकि विकांत देवी गिरधर सर की क्लास है तो अभी इसमें थ्योरी वाला तो वो कुछ लिखा तो नहीं रहे, तो उनको बस सुनना है। और यार इनकी क्लास की सबसे बढ़िया खासियत ये होती है कि आप इनकी क्लास को, चाहे 5 घंटे की क्लास हो, वैसे ही 4:30 घंटे की क्लास थी फर्स्ट वाली, पूरी तो मैं इसको नहीं कर पाया,
पर इसमें क्या कभी बोर नहीं होते हम, आपको तो पता है जिसे इनकी इनके ये सबसे अच्छी खासियत है सर के, ये इस हिसाब से पढ़ाएंगे, बीच बीच में हंसी मजाक करेंगे तो आपका आप बोर नहीं होंगे क्लास में। फिर मैं पूरी क्लास तो नहीं लिया, फिर इसको लैपटॉप को करा मैंने बंद, क्योंकि आज मैंने जो सोचा था कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करना है कक्षा 6 वाले का, जो विविधता की समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, तो इसी को मैंने स्टार्ट किया। आप देख सकते हो ये मेरे सर ने दी थी ये बुक्स मेरे को, हमारे एक सर थे उनको पता था मेरा थोड़ा बहुत कि हाँ मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो पूरी एनसीईआरटी उन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी अपने स्कूल में से। कमलेश जी सर थे, बहुत अच्छे सर थे यार वो, मतलब उन्होंने दी थी सारी बुक्स, तो इतने ज़्यादा मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ा। कुछ कुछ बुक लानी पड़ी थी मेरे को, जैसे ज्योग्राफी की कोई लेटेस्ट, क्योंकि उनमें डाटा वाला सीन था ना इस चक्कर में। ये है अभी झंडोगाम, क्योंकि यार मैं लैपटॉप में जैसे ही क्लास लेता हूँ तो उसमें सीधा मतलब नज़र को हमारे पूरे लैपटॉप में घूस ऐसे देखना पड़ता है गौर लगा के, तो यार हमेशा मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा सर दुखने लगता है हमेशा। ईयरफोन में लगा लेता हूँ तो फिर वो बस हेडक होने स्टार्ट हो जाती है पूरा, हमेशा रोजाना का काम है तो झंडोगाम में हमेशा रखता हूँ, क्योंकि गोली फिर यार लेने से कोई बताता है कि यार इससे वो होगा तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं लेंगे सही है, तो झंडोगाम लगा के हमेशा मैं सोचता हूँ ताकि सर कम हो, दर्द कम हो सके। तो ये तो मेरा रोजाना का रूटीन है, झंडोगाम लगाऊंगा तभी नींद आएगी मेरे को, आज का नहीं है। तो यही था गाइज आज की इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और यार आपका ईयर कौन सा है और आपका अटेम्प्ट कब है यूपीएससी का, आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय।